अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक ही सवाल सबके मन में है। ये सवाल देश के तमाम राम भक्तों के मन में है जो आम लोगों के वर्ग में आते हैं। सबसे पहले तो मन में ये कचोट है कि वो इस भव्य समारोह का हिस्सा नहीं बन पाए। साथ ही सवाल ये भी है कि देश के आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट कब से खुलेंगे और देश के आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कब से कर सकेंगे। सवाल ये भी है कि क्या राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए किसी तरह का शुल्क देना होगा। अगर ना तो ये बेहद अच्छी बात है और अगर हाँ तो शुल्क कितना है। इतना ही नहीं, राम मंदिर को लेकर आम लोगों के बारे में कपाट खुलने की टाइमिंग, पूजा अर्चना का समय वगैरह कब होगा, ये सवाल भी तेजी से घूम रहा है। तो चलिए जान लेते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए राम मंदिर को लेकर पूरी जानकारी। शुरुआत करते हैं मंदिर कौन संभालेगा। जाहिर है राम मंदिर के निर्माण कार्यों का सारा मैनेजमेंट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जीत मिलने के बाद इसी ट्रस्ट को बनाया भी गया था। ऐसे में इस सवाल का जवाब अब सबके सामने है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन आम लोग 23 तारीख से ही कर सकेंगे क्योंकि 23 तारीख से ही आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। अब आते हैं मंदिर के कपाट कब से कब खुले रहेंगे। बता दें, राम मंदिर के कपाट खुलने का सुबह का समय 7 बजे से 11:30 बजे तक होगा। इसी वक्त में आम लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। वहीं राम मंदिर के कपाट दोपहर को 2.5 घंटे के लिए भोग और रामलला के विश्राम के लिए बंद कर दिए जाएंगे। फिर दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक फिर से राम मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोलेंगे। उसके बाद आते हैं आरती की टाइमिंग पर। राम मंदिर में रामलला की आरती 3 बार की जाती है। पहली आरती 6:30 बजे, दूसरी आरती दोपहर को 12 बजे और तीसरी आरती शाम के 7:30 बजे की जाती है। जान ले कि रामलला की सुबह की आरती को श्रृंगार आरती, दोपहर की आरती को भोग आरती और शाम की आरती को संध्या आरती कहते हैं। हालांकि इस आरती में शामिल होने के लिए श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से पास जारी किया जाएगा। इसके लिए श्रद्धालु के पास पुख्ता आईडी प्रूफ होना जरूरी है। याद रखें कि ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक एक बार में 30 लोग ही आरती में हिस्सा ले सकते हैं। अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर जो कि शुल्क से जुड़ा हुआ है। जान लें, अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लगने वाला। ऐसे में अब ये साफ हो चुका है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने आम लोगों से जुड़े क्या क्या नियम बनाए हैं। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।